हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं योगा वाले यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल जानकारी मैं बताने वाला हूं। जैसा कि हमेशा अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बताता हूं, तो योगासन से रिलेटेड ये भी जानकारी है जिसपे आप पाएंगे आपके यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो जो हम बात करने वाले हैं वो है शरीर में सबसे ज़्यादा जो कब्ज की समस्या रह जाती है, इंडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उसको कैसे दूर करें योग आसनों के द्वारा, उस पर हम बात करेंगे। होता क्या है कि कब्ज एक आम पाचन समस्या है जो हर उम्र के लोगों को होती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, जवान हो या फिर बूढ़े, फिर चाहे जेंट्स हो या फिर वुमेंस हो, सभी को समस्याएं होती हैं। इसमें के कई सारे कारण होते हैं और इसको कैसे पहचाने वो हम देखेंगे। कारण ये होता है कि हमारा जो आहार है वो असंतुलित होता है या फिर हम आहार को अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते हैं। इसके अलावा हम व्यस्त जीवन शैली में, शहरी व्यस्त जीवन शैली में जल्दी जल्दी में पानी पीने को इग्नोर कर देते हैं, यानी पानी कम से कम पीते हैं, ये समस्याएं होती है। इसके अलावा शारीरिक श्रम कम होता है और पेट की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो इन मुख्य कारणों से भी ये समस्याएं होती हैं और आपके पेट में पाचन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब हम यदि हम लक्षणों की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि कब्ज, कब्ज एक आम समस्या है जिसमें सभी को पता चल जाता है, पेट फूल जाता है, पाचन की समस्याएं हो जाती हैं, जो खाया हुआ हो तो पचता नहीं है, पेट में अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है आपकी, तो ये समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा मुहासे बढ़ जाते हैं जब होता है, सिर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं और मुंह से बदबू आती है। आप कितना भी अच्छे से ब्रश किए हुए हो, यदि आपकी पेट में लगातार कब्ज रहती है, स्टूल आपका प्रॉपर आता नहीं है, लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, पेट एक बार में साफ़ नहीं होता है, तो आपको ये समस्याएं होती हैं और पेट फूला हुआ रहता है। तो आज हम देखेंगे मुख्य योग आसनों की, जिसपे आपको प्रॉपर से बताएंगे। आपको यकीन मानिए, इसमें आप यदि 10 से 15 मिनट इसको लगातार कर देते हैं तो आपका पेट साफ होने लगता है, कब्ज आपका वायु प्रवाह चालू हो जाता है और आपकी अच्छे से स्टूल निकलती है। चलिए हम देखते हैं योगासनों के बारे में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूक्ष्म व्यायाम के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करिए, शरीर को पूरा जागृत करिए, यानी आपका शरीर एक्टिव बताएं, उसके बाद फिर आप इन आसनों को करिएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे आराम से, जो पेट लेट करके करेंगे पीठ के बल, वो हम बताएंगे। तो आप आराम से यहाँ पर लेट जाइएगा। ऐसे लेटने के बाद आपको एक पैर से आपको ऐसे करना है, इसको उठाना है और इसको ऐसे ले जाना है। ये आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे आपका यहाँ पर ये घुटने में ये आपकी ठुड्डी टच होने लगेगी। फिर आपको धीरे से गर्दन पीछे लाना है और पैर को फैला लेना है। ये इसी तरह दूसरे पैर से भी करना है आपको। धीरे से पैर उठाना है सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन उठानी है और इसको टच करना है। कम से कम आप इसको 30 सेकंड तक करिए शुरू में, उसके बाद बढ़ाते जाइएगा, एक मिनट डेढ़ मिनट जितना आपकी क्षमता होगी। ये एक पद पवन मुक्तासन था। अब आप दोनों पैरों को एक साथ लेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे और दोनों पैरों से को हाथों से फिंगर लॉक करेंगे आप। धीरे से गर्दन पीछे ले जाएंगे, पैर ऐसे ले जाएंगे और फैला लेंगे। देखिए, ये समय सीमा के कारण मैं आपको एक एक बार करके दिखा रहा हूँ। आपको कम से कम 10 से 15 बार मिनिमम करना ही है एक दिन में। आप इन दोनों को करिए तो आपको इसका तुरंत लाभ मिलेगा। अब आप इसी में एक नौकासन करिएगा, बोट पोज। आपको पैर और हाथ दोनों एक साथ उठाने हैं, आराम से उठाइएगा। धीरे से पीछे ले जाना है। देखिए, शुरू में आप इतना ऊपर नहीं जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ना 30 डिग्री तक का ही करिए, जिससे पेट में आपको प्रेशर पड़ेगा।
आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना है जिससे ये पाचन में कम करेंगे। इतना ही करिएगा, इतने करने पर यहाँ पर आपका प्रेफर ज़्यादा रहेगा। आप देखेंगे करते करते ही आपका गैस जो है रिलीज होने लगता है, इसको धीरे से आ जाए वापस। शुरू में 10 सेकंड 15 फिर 30 सेकंड ऐसे करें। हर एक योगासन को आप कम से कम 10 से 15 बार जरूर करिए, ये आपका है। इसके बाद आपको जो करना है पेट के बल करना है। पेट के बल आप ऐसे लेट जाइए और दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए और धीरे से उठाना है आपको। जी आराम, इस तरह आपको उठा के रखना है, धीरे से लाना है। आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही उठाइएगा, शुरू शुरू में ज़्यादा ज़ोर से मत उठाइएगा, धीरे से रखें ऐसे। हाँ, इसको भी आप कम से कम 10 बार, मिनिमम 10 बार तो करिएगा, ये आपका पूरा पेट में होगा। एक बार मैं और करके दिखा देता हूँ, धीरे से हाथ उठाइए। इतने पे ही रोक कहती है, धीरे से आप करवट ले करके उठ जाइए। आप जो करेंगे, आप ये वज्रासन में बैठेंगे। देखिए वज्रासन की मुद्रा ये होती है, इस तरह से आपका पैर रहेगा। यहाँ पर वज्रासन में बैठेंगे, जैसे वज्रासन में बैठेंगे आपको ये अंगूठा ऐसे करना है, आपकी ये इस नेवल में नाभि में ऐसे लगाना है। तो आप पहले ऐसे करेंगे फिर आगे झुकेंगे, तो मैं इधर हो जाता हूँ। आप जैसे ऐसे करके ऐसे झुकेंगे, धीरे से झुकिएगा, पहले सांस ले लीजिएगा, जब नीचे झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए। फिर आगे हल्का से देखिएगा, सांस हल्के से लेते रहिएगा और छोड़ते रहिएगा। इस अवस्था में कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुकिए, क्योंकि जितना देर तक आप रुकेंगे उतने ही मांसपेशियों में मसाज होगा और ये स्ट्रॉन्ग होंगी और धीरे धीरे आपकी कब्ज को दूर करने में सहायता करेंगी। मंडू का आसन है, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। धीरे धीरे उठाइए आप, ये आसन इस तरह से कर सकते हैं। इसको भी 10-15 बार, मिनिमम 15 बार तो करिए ही। इसका दूसरा एक रूप है, ऐसे आपको उंगली फैला लेनी है, ऐसे आपको रखना है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है, बाएं हाथ के ऊपर दाएं, और फिर सांस लेते हुए, फिर जब आगे झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे। इन दोनों को, दोनों वेरिएशन को, दोनों अलग अलग प्रकारों को आप ना 15-15 बार कम से कम करिए। आप देखेंगे कि आपका जो भी गैस की समस्या है आपके करते करते ही ये रिलीज होने लगेगी। यदि जिनका कभी से बांध फूट नहीं रहा है तो उनका भी ये समस्या दूर हो जाएगा, और ये आपको नियमित करना है ताकि ये समस्याएं जड़ से मिट जाएं, कुछ समय के लिए नहीं। धीरे से उठेंगे, ये इस तरह से करना है। तो ये था आज के लिए कॉन्स्टिपेशन पर बेस्ड योग आसनों की सीरीज। इन शुरू के आसनों को आप करिए, इसके एडवांस आसन भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप शुरू में करिए। जो कोई भी नहीं कर पाता उन सभी को करना चाहिए, आप करिए आराम से, इसमें समस्याएं दूर होंगी। और इसके अलावा इनमें मेजर जो ध्यान रखने वाली सावधानियां हैं, जिनके पेट पे समस्याएं हैं या सर्जरी वगैरह हुई है, गर्भवती हैं, वो ना करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। और खाने को जो है चबा चबा के खाएं, जितना ज़्यादा चबा के खाएंगे उतना आपके लिए कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं आएंगी, पूरी तरह से दूर रहेंगी। और पानी दिन में अच्छे से पिएं, कम से कम 2-3 लीटर पानी पिएं, इसमें से आपका मोशन आराम से होगा, स्टूल आराम से निकलेगा और पेट की समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि पेट साफ रहेगा तो कोई भी रोग नहीं होता है। इस तरह आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी और योगासन के साथ, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।